फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ कद्दू की रेसिपी। जो लाल वाले कद्दू होते हैं ना, उसकी सब्जी बनाएंगे, जैसे भंडारे में बनते हैं बिना लहसुन प्याज के, बहुत ही टेस्टी बनता है। हम अपने घर पे बनाते हैं तो अक्सर हमें लगता है कि भंडारे की तरह हमारी सब्जी क्यों नहीं बन पाती है। भंडारे वाली सब्जी की कुछ सीक्रेट होती है जो हमें पता नहीं होता है। तो चलिए आज सारे सीक्रेट के साथ कद्दू की सब्जी बनाते हैं। यहाँ पे मैंने छोटा वाला खलबट्टा ले लिया है। इसमें एक चम्मच इतना साबुत धनिया लिया है मैंने, 3 सूखी लाल मिर्च से तोड़ के डाल लेंगे, दरदरा कूट लेंगे दोनों को। जब हम छोटे खलबट्टे में कुछ भी कूटते हैं ना, तो सारा बाहर आने लगता है ऐसे कूटने पे, तो इस तरीके से हाथ रख लेंगे तो बाहर नहीं आएगा, बिल्कुल आराम आराम से इस तरीके से कूट लेंगे। बहुत बारीक नहीं करना है, दरदरा सा कूटना है। ये आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल मोटा मोटा सा मैंने कूट लिया है। अभी इसे हम एक साइड में रख लेंगे। 1/2 कप दही ले लिया है, इसमें कुछ बेसिक मसाले ऐड कर लेंगे। 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे सब्जी में कलर बहुत अच्छा आता है, तीखा बहुत कम होता है ये। अच्छे से फेंट लेंगे दही को मसालों के साथ, इस तरीके से मिक्स करते हुए। मसाले को इस तरीके से पानी में या दही में पहले ही अच्छे से भिगो के रख देने पे, जब मसाले भूनते हैं ना तो बहुत अच्छे से भून जाता है और सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी है दही में, तो अभी इसे हम एक साइड में रख लेंगे। यहाँ पे मैंने पीला वाला 1/2 किलो कद्दू लिया है। मुझे ये लाए 2 दिन हो चुके हैं, फ्रिज में रखे रखे थोड़ा सा ये कलर इसका चेंज होने लग गया है। कट कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ से मैं डंडी कट कर देती हूँ, इस तरीके से थोड़े से मोटे मोटे स्लाइसेस में कट कर लेंगे ऐसे। ये जो इसके अंदर का पल्प है ना, इसको हटा देंगे इस तरीके से। इस तरीके से ऊपर से भी पल्प वाला जो हिस्सा है वो हटा देंगे। कद्दू के सारे पीस से मैंने पल्प हटा लिए हैं। अब कद्दू से हमें छोटे छोटे पीस कट करने हैं इस तरीके से, ना बहुत ज़्यादा मोटा पीस कट करना है ना ही ज़्यादा बारीक, ठीक ठीक होना चाहिए। मैं आज छिलके के साथ ही बनाऊंगी। बिना छिलके के भी बनाया जाता है, पर एक बार छिलके के साथ भी ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी बनता है। ये देखिए इस तरीके से पीस कट करना है हमें। तो जब तक मैं कद्दू से इस तरीके से पीस कट कर रही हूँ, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। वीडियो को हमेशा पूरा देखा करें। सारे कद्दू से मैंने पीस कट कर लिए हैं इस तरीके से। अब इसे 2 से 3 बार अच्छे से धो लेंगे, गैस ऑन करेंगे। कढ़ाई ले लिया है, कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने देंगे। कढ़ाई गर्म हो चुका है, 2 से 3 चम्मच तेल डाल लेंगे। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। 1 तेज पत्ता ले लिया है, 1/2 चम्मच मेथी दाना, 1/2 छोटा चम्मच जीरा, 1 पिंच हींग। सारी चीज़ों को थोड़ा सा पकने देंगे। दरदरा कूटा हुआ धनिया और मिर्च, फ्लेम को कम कर लेंगे बिल्कुल, थोड़ा सा पकने देंगे। मसाला ऐड कर लेंगे जो हमने दही में भिगो के रखा था। फटाफट हाथ चलाते हुए अच्छे से मिक्स करना है, नहीं तो दही फटने का डर रहता है। ढक्कन लगा देंगे, फ्लेम को कम पे ही रखेंगे। ढक्कन को थोड़ी थोड़ी देर पे हटा के मसाले को भूनेंगे, 3 से 4 मिनट। मसाला चेक कर लेते हैं, आप देख पा रहे होंगे मसाला अच्छे से भून चुका है, तेल ऊपर तैरने लग गया है। यहाँ पे मैंने थोड़े से कसूरी मेथी लिए हैं, इस तरीके से रब करते हुए डाल लेंगे। कद्दू डाल लेंगे, नमक डाल लेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। कद्दू को मसालों के साथ अच्छे से उलट पलट करेंगे।
फ्लेम को कम पे रखेंगे, फिर से ढक्कन लगा देंगे और थोड़ी थोड़ी देर पे ढक्कन को हटा के सब्जी को भूनते रहेंगे जब तक कि कद्दू अच्छे से पक नहीं जाता है। सब्जी चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं उलट पलट करके, इसे चेक करते हैं, यह अभी अधपका सा हुआ है। फ्लेम को एक बार हाई पे कर लेंगे और इसमें 4 से 5 बड़े चम्मच पानी ऐड कर लेंगे, बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है। मिक्स करेंगे, एक बार अच्छे से उबाल आने देंगे। 1/4 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर लेंगे इस टाइम पे और एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। सब्जी में अच्छे से उबाल आ चुका है तो फ्लेम को फिर से कम कर देंगे, ढक्कन लगा देंगे और जब तक कि कद्दू अच्छे से पक नहीं जाता है बीच बीच में ढक्कन हटा के सब्जी को उलट पलट करते रहेंगे। सब्जी चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं उलट पलट करके, सब्जी में जो हमने पानी डाला था अच्छे से सूख चुका है। ये जो कद्दू की सब्जी होती है ना, पानी वाली अच्छी नहीं लगती है, बाकी आपकी अपनी पसंद है। आप ग्रेवी रखना चाहो तो थोड़ा सा ज़्यादा पानी ऐड करके पका सकते हैं। कद्दू चेक कर लेते हैं, आप देख पा रहे होंगे अच्छे से पक चुका है, तो गैस को कर लेंगे ऑफ। कटा हुआ हरा धनिया, कद्दू की सब्जी बहुत ही टेस्टी बना है, आपको देख के ही पता चल रहा होगा। आप इसे अपने पसंद के अनुसार पूरी, पराठे, चावल, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी, तो आप भी एक बार ट्राई कीजिए। रेसिपी पसंद आई हो तो अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।